वहीं हाथरस कांड में 6 लोग गिरफ्तार हुए। मुख्य आयोजक पर 1,00,000 रुपए का इनाम है। गिरफ्तार अभियुक्तों में 4 पुरुष 2 महिलाएं। पूछताछ में सेवादारों ने किए कई खुलासे। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर की तलाश जारी है। आपराधिक साजिश की भी विवेचना कर रही यूपी पुलिस। बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तार अभियुक्तों में 4 पुरुष 2 महिलाएं शामिल है। ये बड़ी खबर आपको बताते, जब पूछताछ में सेवादारों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। हाथरस मामले में 6 गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 4 पुरुष 2 महिलाएं हैं। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर की भी अभी तलाश जारी है, जिस पर 1,00,000 का इनाम है। आपराधिक साजिश की भी विवेचना कर रही है पुलिस। बड़ी खबर आपको बता दे, जहां हाथरस कांड में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और मुख्य आयोजक पर 1,00,000 रुपए का इनाम। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य आयोजक पर 1,00,000 रुपए का इनाम। गिरफ्तार अभियुक्तों में 4 पुरुष 2 महिलाएं शामिल और पूछताछ में सेवादारों ने कई खुलासे किए। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर हाथरस मामले की जांच रिपोर्ट एसआईटी ने शासन को सौंपी। जांच के लिए शासन ने गठित की थी एसआईटी। एसआईटी ने बयान और जांच के आधार पर रिपोर्ट सौंपी। कमिश्नर अलीगढ़ और एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। एसआईटी ने बड़े पैमाने पर मौके पर मौजूद रहे लोगों के लिए बयान, सेवादारों के साथ ही सुरक्षा में लगी पुलिस के भी लिए गए बयान। परमिशन देने वाले एसडीएम सिकंदर राव का भी लिया गया बयान। डीएम और कप्तान से भी घटना पर एसआईटी ने सवाल जवाब किया। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कई अफसरों पर हो सकती है कार्रवाई। अब न्यायिक आयोग हाथरस मामले की जांच कर रहा है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट भी न्यायिक आयोग को सौंपी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी ने जांच की, जांच पर अब कार्रवाई की जाएगी। परमिशन देने वाले एसडीएम सिकंदर राव का भी बयान लिया गया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अतुल हाथरस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या जानकारी है, क्योंकि एसआईटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, क्या लगता है इस रिपोर्ट में क्या तमाम बातों का जिक्र क्या क्या होगा, क्योंकि कई अफसरों के भी बयान लिए गए। देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट तैयार होकर शासन को सौंपी गई है। कहा जा सकता है जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है, हादसे में उस वक्त मौजूद जो भक्त हैं उनके बयान लिए गए हैं, सेवादारों के बयान लिए गए हैं, जो एसडीएम हैं, जो परमिशन देने वाले एसडीएम हैं उनके बयान लिए गए हैं, डीएम एसएसपी के बयान लिए गए हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि एसआईटी की रिपोर्ट जिस तरह से शासन को सौंपी गई है, अमला जिस तरह से इस वक्त काम कर रहा है, सरकारी तंत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो सेवादार हैं ढिंगरा उन पर फोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी तक बाबा का कहीं जिक्र नजर नहीं आता। सरकार हो, शासन हो, सभी कहीं ना कहीं बाबा को बचाने में जुटे हैं, लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दर्द इस वक्त बांटने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। वहीं पीड़ित लोगों ने बताया जिस तरह से ये दर्द है, और राहुल गांधी को उनको बताया, साथ ही आम जनता का साफ तौर पर कहना कि बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा के यहाँ भीड़ इतनी इकट्ठी हुई, क्यों इतनी इकट्ठी भीड़ उन्हें दी गई, लगातार अगर बात की जाए इसी तरह से सभी आयोजनों में इस तरह से भीड़ इकट्ठी होती है, परमिशन क्यों नहीं ली जाती है, सुरक्षा की व्यवस्था वहां क्यों नहीं लगाई जाती है, कहीं ना कहीं आम जनता इस हादसे का शिकार हुए। कहीं अगर कहा जाए, जिस तरह से हाथरस में बड़ा हादसा हुआ, 122 परिवार के लोगों की जान गई, लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए तो प्रशासन कहीं ना कहीं सेवादारों पर सारे करे का धरा, अगर कहा जाए देखिए जिस तरह से किया धरा है उसको फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। सेवादारों को यहां पर मुख्य बनाया जा रहा है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो बाबा है, अभी तक बाबा की तरफ किसी की आंखें खुलती हुई नजर नहीं आ रही है। एसआईटी रिपोर्ट की बात हो, सभी के बयान लिए जाते हैं, लेकिन हकीकत में जो वहां पर हुआ है, जिस तरह से बाबा सेवादार बाबा को भगाते हुए नजर आते हैं, सीसीटीवी वायरल होता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बाबा पर अभी तक किसी भी तरह का कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। सरकारी मशीनरी की बात हो, सरकारी तंत्र की बात हो, अभी तक बाबा पर पूरी मेहरबानी यहां पर बरती जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरह से यहां पर जो ये शासन है, प्रशासन है, वो लगा हुआ है, एसआईटी रिपोर्ट की बात हो, यहां पर अगर बात की हो, जांच की बात हो, लगातार जांच जिस तरह से चल रही है, लेकिन अभी तक कहा जा सकता है कि जांच
लगातार कागजी घोड़े यहाँ पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि यहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं उनको मुआवजे की बात कही जा रही है, मुआवजा देने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्य आरोपी हैं, लगातार आम जनता का जो पीड़ित है, जो घायल है, उनका कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जिस तरह से बड़ी लापरवाही देखने को मिली, अभी तक किसी भी स्वास्थ्य कर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन प्रशासन की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, वहां पर 80,000 लोगों के लिए 40 लोग लगाए गए जिसमें 2.5 लाख लोग पहुंचे, किसी भी तरह से क्या LIU खुफिया तंत्र यहां पर फेल था। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए, इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होने की संभावना थी, परमिशन क्यों दी गई, चारों तरफ से उस पंडाल को सील क्यों किया गया, एक मुख्य द्वार क्यों बनाया गया, सवाल एक नहीं, अभी भी कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिन पर प्रशासन बसता हुआ नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ, हादसे को लेकर के हर पार्टी यहां पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रही है, लेकिन पीड़ित परिवारों की अगर बात की जाए, पीड़ित परिवारों का कहना है ये वो परिवार है जो डेली कमा करके खाने का अपना प्रबंध करते हैं, सुबह को घर से निकल करके शाम को घर पहुंच करके अपने बच्चों का पालन करते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, हादसे में उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के भी लोग पहुंचे थे। कहीं ना कहीं माना जा रहा है, जिस तरह से अगर बात की जाए, उपचुनाव नजदीक, उपचुनाव को लेकर के यहां पर कहा जा सकता है कि सभी पार्टी इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। कहा जा सकता है कि बाबा का SC वोटरों पर काफी प्रभाव है, जिसको लेकर के बाबा जिस मंच से, जिस राजनीतिक दल का सपोर्ट करता है, वहां के भक्त, बाबा के भक्त कहीं ना कहीं उस दल को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो कहा जा सकता है कि इस वक्त विपक्ष जिस तरह से हर मुद्दे पर राजनीति रोटी सेकता हुआ नजर आता है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं अभी तक किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देता हुआ नजर नहीं आया। राहुल जी की बात की जाए, राहुल गांधी ने पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन वहां पर किसी भी सवाल का जवाब देते हुए नजर नहीं आए। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मैं सरकार से मांग करूंगा। ठीक है अतुल, क्योंकि तमाम जानकारी आप ये दे रहे थे अतुल, क्योंकि राहुल गांधी भी आज वहां पर पीड़ितों से मिलने पहुंचे हुए थे, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी तमाम बातें हुई, प्रशासन की साफ लापरवाही सामने आ रही है अतुल। ऐसे में जाहिर सी बात है, राहुल गांधी का भी पीड़ितों से मिलना, सामने आके बयान देना कि प्रशासन की गलती है, एक जवाबदेही तो प्रशासन की तरफ से भी बनती है, क्योंकि लापरवाही तो हुई है, इतने लोगों की जान गई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई ठोस कदम अभी तक सरकार प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि ठोस कदम उठाने से सरकार भी बच रही है, प्रशासन भी बचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सेवादारों को इसमें मुखिया बनाया जा रहा है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से 122 परिवारों के लोगों की जान गई है, 122 लोगों की जान गई, उसका जिम्मेदार कौन है? अभी तक इस बात को ना प्रशासन तय कर पाया है, ना शासन तय कर पाया है, ना ही सरकार तय कर पाई है। विपक्ष के लोगों की बात की जाए, हर मुद्दे को इशू बना करके संसद हो, विधानसभा हो, हंगामा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत की बात की जाए, जिस तरह से यहां पर हादसा हुआ, 122 लोगों की जान गई, लेकिन उसी के बीच अगर बात की जाए तो अभी तक किसी भी तरह से विपक्ष के किसी बड़े नेता ने मुद्दे को नहीं उठाया है। कहा जा सकता जनता विपक्ष इसलिए मजबूत चुनती है जिसको लेकर के जनता के मुद्दों को संसद हो, विधानसभा हो, उसमें उठाया जाए, जनता की जो हित में बातें हैं उनको किया जाए। बिल्कुल अतुल, अतुल मैं आप बने रहे, हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। इसी बीच राहुल गांधी ने पीड़ितों से बात की है, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पेंसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन, दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है। संवाददाता अतुल हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल आप अपनी बात पूरी करें, और इसके साथ ही क्योंकि आपने ये भी कहा और हमने भी देखा है कि बाबा का जिक्र अभी तक कहीं पर भी सामने नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं बाबा जिन्हें सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्यों उसको सामने नहीं लाया जा रहा? क्यों उस ढोंगी बाबा से पूछताछ नहीं की जा रही है?
देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि ढोंगी बाबा का सत्संग सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंचे, 80,000 की परमिशन ली जाती है, 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरह से चमत्कारी बाबा चमत्कार करता है, चमत्कारी जिंदगी की अगर बात करता हुआ नजर आता है, भक्तों को बहकावा देता हुआ नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए अभी तक किसी भी तरह से बाबा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ, भक्त यहाँ पर सत्संग सुनने के बाद निकल कर जा रहे थे, वहां पर बड़ा हादसा होता है, बाबा प्रवचन देने के बाद कहता है कि जो बाबा के चरणों की धूल यहां पर अपने माथे से लगाएगा उसके उद्धार होगा, सारे कष्ट दूर होंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि कष्ट नहीं, यहां पर लोगों के 122 परिवारों की जिंदगी में कष्ट आता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा सकता है कि 122 परिवारों की जिंदगी में यहां कष्ट थुलथलाकर भर चुका है। उसी बीच अगर बात की जाए तो अभी तक बाबा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ, हादसे के बाद बाबा तभी से फरार है, अभी तक ना पुलिस को पता है बाबा कहां है, ना सेवादारों को पता है, ना उन भोली भाली जनता को पता है कि बाबा अभी तक कहां है, बाबा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि लगातार जिस तरह से आम जनता को, भोली भाली जनता को बहकावे में लेने के बाद धर्म के नाम पर यहां पर बाबा ढोंग रस्ता हुआ नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा हादसा हो जाता है और बाबा फरार हो जाता है, ढोंगी बाबा अभी तक फरार है, पुलिस कहीं ना कहीं बाबा पर मेहरबानी बनाए हुए है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए, ढोंगी बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमने अपनों को खोया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशासन बाबा पर मेहरबान है, सरकार शासन और विपक्ष की बात की जाए सभी बाबा पर मेहरबान है, क्योंकि इस वक्त अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो बाबा का वोट बैंक दिखाई दे रहा है, लेकिन आम जनता की बात की जाए, 122 परिवार की बात की जाए, कई सौ उन लोगों की बात की जाए जो इस वक्त घायल हैं, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उनको लेकर के अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनका कहना है कि बाबा पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह के ढोंगी पाखंडी बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसके चलते देश में आगे को आने वाले टाइम में ऐसा कोई बड़ा हादसा ना हो जिस तरह से लोग इकट्ठा होकर के बाबा पर अंधविश्वास करते हैं, अंधविश्वास के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए अभी तक बाबा पर जिस तरह से प्रशासन मेहरबान है उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। देखिए न्यूज वन इंडिया लगातार अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट दिखा रहा है, जिस तरह से हादसा हुआ सबसे पहले न्यूज वन इंडिया ने दिखाया, मुख्यमंत्री जगाए, उसी के बाद शासन जगाया, प्रशासन जगाया, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए कहा जा सकता है हर पीड़ित परिवार के पास न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंच करके बात कर रही है, सहयोगी कैमरामैन की बात की जाए तो वहां तक पहुंच करके बात की जा रही है। लेकिन अभी तक की हकीकत की बात यह है कि जिस तरह से पीड़ित परिवार अपने बयान दे रहे हैं उनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रशासन की अगर बात की जाए, प्रशासन ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, मुख्यमंत्री मंत्रियों के मिलने के बाद अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के लोग घायलों को अस्पताल से निकालने की बात कहते हुए नजर आए, बड़ी लापरवाही इस हादसे में बरती गई है। अभी तक अगर कार्रवाई के दौर की बात हो, महज 6 सेवादारों को उठा करके बंद करना, उन पर कार्रवाई करना, मुख्य सेवादार पर 1 लाख के इनाम की घोषणा, का वक्त बीत चुका है अतुल, और महज खाना पूर्ति देखी जा रही है, इसकी टोपी उसके सर किया जा रहा है, कभी कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, कभी कोई किसी पर आरोप लगा रहा है, प्रशासन सेवादारों पर आरोप लगा रहे, सेवादार प्रशासन पर आरोप लगा रहे, कोई तो जवाबदेही होगी। और इसके साथ ही क्योंकि अतुल न्यूज वन इंडिया पल पल की अपडेट लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिस दिन से हादसा हुआ है हर एक तस्वीर दर्शकों तक न्यूज वन इंडिया ने पहुंचाई है। इसके साथ ही वो समय भी था जब शाम के वक्त कहा गया था मैनपुरी आश्रम में बाबा पहुंचे हुए हैं, लगातार न्यूज वन इंडिया की टीम मैनपुरी आश्रम के सामने बनी हुई है, लगातार नजर बनाई हुई है, पुलिस प्रशासन अंदर गई बाहर आई, उनका ये जवाब था कि अंदर बाबा नहीं थे, और वही के सेवादार उनके अनुयायियों का कहना था कि बाबा ब्रह्मलीन है, वो ध्यान में डूबे हुए, वो हम आश्रम के अंदर ही है, दो तरीके के बयान। और फिर अगले दिन बाबा का लेटर जो है वो बाहर आता है, बाबा का बयान भी बाहर आता है, कई बड़े सवाल कि अगर पुलिस अंदर गई उन्हें बाबा नहीं मिले तो बाबा कहां पर है, और है तो पुलिस अब तक उसे ढूंढ क्यों नहीं पाई है, क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं, कौन जवाबदेही है, क्या सेवादार जवाबदेही है, क्या प्रशासन की लापरवाही है, किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत या फिर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया अब तक। देखिए इस मामले को लेकर के, हादसे कांड को लेकर के अगर बात की जाए, सेवादारों का कहना है कि आयोजककर्ताओं की गलती है, आयोजककर्ताओं का कहना है कि प्रशासन की गलती है, प्रशासन का कहना है कि सेवादारों की गलती है, कहीं ना कहीं मामले को घुमाया जा रहा है, मोल्ड किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, माना जा सकता है कि जो आम जनता है, गरीब परिवार है, जो थाने तक की जाने से कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, परेशान रहते हैं, थाने में जाकर के कौन FIR दर्ज कराएगा, कौन परेशान होगा, कहा जा सकता है वो गरीब परिवार के लोग हैं ये,
जिनके पास चप्पल है, टूटी चप्पल है, फटे कपड़े हैं, लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए, इस दर्द को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रशासन की अगर बात की जाए, प्रशासन मामले को घुमाता हुआ नजर आता है। जो सेवादार है, आयोजक है, वो मामले को भक्तों पर डालते हुए नजर आते हैं कि भक्तों की भीड़ एक साथ रेला निकलता है, एक एंट्री बनाई जाती है जिससे रेला निकलता हुआ नजर आता है, महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, हादसा हो जाता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से पंडाल लगाया गया, इतना बड़ा पंडाल था, एक मुख्य द्वार क्यों बनाया गया, वहां पर प्रशासन को भारी तादाद में क्यों तैनात नहीं किया गया, अगर परमिशन ली गई तो स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर क्यों तैनात नहीं की गई, एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, फायर ब्रिगेड की टीम क्यों नहीं लगाई गई। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से आयोजनकर्ताओं ने परमिशन ली, शासन को यहां पर प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन ने अपना खुफिया तंत्र एक्टिव क्यों नहीं किया। लगातार अगर बात की जाए, पुलिस विभाग, पुलिस के उच्च अधिकारियों की बात की जाए, आईजी की बात की जाए, एडीजी की बात की जाए, सभी बसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है क्या खुफिया विभाग इतना नाकारा हो चुका है, परमिशन लेने वाली जगह पर जाकर के थानेदार वहां पर जांच नहीं करता है, अगर कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो उसकी अनुमति ली जाती है, किसी शो की, देखिए मीडिया कर्मी शो की अनुमति लेते हैं, चार जगह जाकर के परमिशन को फाइल करवाना पड़ता है, वहां पर उसके वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। थानेदार जुड़ने के लिए हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत